हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ये वीडियो में आप लोगों को पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कौन सी ग्रिप बेटर रहती है एम फोर के लिए कौन सी ग्रिप का क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है कैसा जहर स्प्रे मारना आप लोगों के बहुत जनों के डीएम्स आए हैं मेरे को कि भाई तुम्हारे ऐसा स्प्रे सीखना है और लास्ट क्यू एन ए सेशन जो करा था मैं इंस्टाग्राम पर लोगों को पूछा था मैं कौन सी वीडियो नेक्स्ट डालू क्या डालू किसके बारे में तो सब जने बोले भाई ग्रिप्स के ऊपर डालो कैसी ग्रिप कौन सी अच्छी रहती है एम फो के लिए क्या है पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से डालो बोल के तो गाइज़ पूरे आपके डाउट्स क्लियर आते हैं वीडियो में एंड तक देखो जरूर वीडियो सो गाइस ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ मैं ये वीडियो को जो भी ग्रिप्स के एडवांटेज है जो भी ग्रिप्स का डिसएडवांटेज है पूरा प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं लंबा नहीं लेके जा रहा हूँ शॉर्ट नोट में आप लोगों को समझा देता हूँ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन थम ग्रिप से थम ग्रिप का क्या है सीन है बोले तो जो स्कोप इन टाइम थम ग्रिप लेता जो स्कोप कर रहा है जितनी फास्ट कर राना है कितना फास्ट कर राना कंपेयर टू एनी अदर ग्रिप सबसे फास्ट थम ग्रिप में खुलता इसकी यही खासियत है इससे फास्ट स्कोप कोई भी ग्रिप में नहीं खोलता देख लो आप अंदाजा लगा लो कितना फास्ट है यह खासियत है आपको नहीं समझ में आ रहा खुद आओ ट्रेनिंग ग्राउंड में हर एक ग्रिप के साथ स्कोप खोलने का ट्राई करो उसके बाद ग्रिप से ट्राई करो इससे फास्ट कोई स्कोप में नहीं खोलता ये ग्रिप की ये खासियत है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रिप लेजर लेजर साइड साइड का क्या सीन है बोले तो फायर के टाइम पे जो बुलेट स्प्रेड रहता वो कम करता ये ग्रिप फॉर एन एग्जाम्पल थम ग्रिप से बताता हूँ उनको थम ग्रिप से मैं मारा ये जो बुलेट स्प्रेड हो रहे ना ज़्यादा हो रहे इसमें लेजर सेट लगा देना अपन वो बुलेट स्प्रेड कम होते ये खासियत है ये ग्रिप की देखिए कम हुआ बुलेट स्प्रेड क्लोज रेंज के लिए बनी हुई है ये ग्रिप नेक्स्ट ग्रिप में जाएंगे अपन हाफ ग्रिप जो सबसे मेरी फेवरेट है इसके दो एडवांटेज डाला है गेम में मतलब ये गेम ये ग्रिप को दो एडवांटेज दिया और एक डिसएडवांटेज भी दिया एडवांटेज क्या है बोले तो सबसे मेन रिकॉइल कम करता है रिकॉइल कम हुआ मतलब स्प्रे जहर गया दूसरा मेन पॉइंट इसका जो है जो दूसरा मेन एडवांटेज है इसका रिकॉइल रिकवरी इंक्रीज करता उसका मतलब क्या है बोले तो स्टार्टिंग के बुलेट्स सब जनों के अच्छे जाते बीच के थोड़े शेक हो जाते स्टेबल नहीं रहते बाद में जो लास्ट के बुलेट्स रिकवरी जो रहती ना वापस स्प्रे की एक्यूरेट लास्ट के बुलेट्स में भी एक्यूरेट जाना स्प्रे बोल के ये ग्रिप क्या करता वो रिकवरी को बढ़ाता ये खासियत है ग्रिप की सेकेंड एडवांटेज ये ग्रिप का यही है इंक्रीजेस रिकॉयल रिकवरी समझ गया ना आप इसका एक डिसएडवाटेज क्या है बोले तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है डिक्रीजेज स्टेबिलिटी है ग्रिप में इसकी खासियत में दो ये है कि रिकॉयल कम करता रिकवरी बढ़ाता रिकॉयल की और स्टेबिलिटी नहीं है स्टेबिलिटी कहीं को नहीं है बोले तो अब देखो ये देख रहे शे कीनेस ये स्टेबिलिटी बोलते इसको स्टेबिलिटी नहीं है आप कोई भी ग्रिप लगा लो दूसरी सबसे गंदा स्टेबिलिटी इसकी रहती ये ग्रिप की रहती है अगर आपको ये ग्रिप की स्टेबिलिटी कंट्रोल करना आ गया आप स्प्रे कनेक्ट कर रहे हैं फिर भी तो इससे बेटर ग्रिप कोई नहीं है क्यों तो इसमें दो एडवांटेजेस है मेरी फेवरेट ग्रिप है ये बंदे पे चिपकता इसका है इसका ये बस उस स्टेबिलिटी कंट्रोल करना उसकी आदत रहना बिगिनर्स के लिए ये ग्रिप पसंद नहीं आएंगे बिगिनर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे ग्रिप तो बहुत शेक हो रहा है स्टेबल नहीं है स्प्रे ऑन टू तो द नेक्स्ट ग्रिप लाइट ग्रिप अब इसका क्या सीन है बोले तो जो हाफ ग्रिप का डिसएडवांटेज है स्टेबिलिटी का ये इसका प्लस पॉइंट है इससे बेस्ट स्टेबिलिटी कोई कोई ग्रिप में नहीं है बिगिनर अगर ये ग्रिप लगा लेके स्प्रे मारेगा उसका स्टेबल रहेगा उस स्प्रे क्योंकि बोले तो आप ट्राई करके देख लो खुद ही कोई भी ग्रिप से स्प्रे मार लो उसके बाद लाइट ग्रिप से आप स्प्रे मारो इससे स्टेबल बुलेट्स कोई भी ग्रिप में नहीं आते इसकी खासियत है दूसरा क्या एडवांटेज है बोले तो सेम हाफ ग्रिप के ऐसा इसका भी रिकॉल रिकवरी अच्छी है लेकिन मेन जो इसकी स्टेबिलिटी है कंपेयर टू एनी अदर ग्रिप इससे बेस्ट स्टेबिलिटी कोई ग्रिप में नहीं है रेडॉट स्प्रेयर हो सिक्स एक्स स्प्रेयर हो स्टेबल जाता बस रिकॉयल कंट्रोल करने आना आपको लॉन्ग रेंज में मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रिप वर्टिकल ग्रिप वर्टिकल ग्रिप एम फोर के लिए बनीच नहीं कई को बोले तो वर्टिकल ग्रिप इसके नाम से पहचाने जाती भाई वर्टिकल रिकॉयल कंट्रोल करती है ग्रिप इसकी खासियत यही है एम फोर जैसी गन को वर्टिकल रिकॉयल की जरूरत नहीं है इसका रिकॉयल बहुत आसान है कंट्रोल करना बैरल जैसी गन हो गई समझो बैरल का रिकॉयल थोड़ा डिफिकल्ट है कंट्रोल करना जरा ज्यादा ट्रैक करना पड़ता उसकी उसके वैसी गन को बैरल के वैसी गन एम सेवन सिक्स टू के वैसी गन को वर्टिकल लगाना और स्प्रे मारना मिड रेंज या लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज तो कोई यूज नहीं करते मिड रेंज या क्लोज रेंज वैसी गन हो वर्टिकल सही रहती एम फोर जैसी गन को वर्टिकल मेरे हिसाब से बनीच नहीं है कि मतलब जरूरत ही नहीं है वर्टिकल की एम फोर को सो गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रिप जो अपनी लास्ट है एंगल ग्रिप इससे जो एम ट्रांसफर होता कोई ग्रिप से नहीं होता इतना फास्ट जितना ये ग्रिप से होता कंपेयर करके देखेंगे अपन हाफ ग्रिप से मैं स्प्रे ट्रांसफर देता हूँ वो मैं एंगल लगा के स्प्रेन ट्रांसफर देता हूं देखो यही खासियत है एंगल ग्रिप इससे जो स्प्रे ट्रांसफर होता ना आप ट्राई करके देख लो एंगल ग्रिप लगा लो पहले तो जो भी ग्रिप आपकी पसंद की लगा लो या जितने भी ग्रिप है सबसे स्प्रे मार के देख लो स्प्रे ट्रांसफर मतलब स्प्रे नहीं स्प्रे ट्रांसफर उसके बाद एंगल से स्प्रे ट्रांसफर मारो आप आपको डिफरेंस इजी महसूस हो रहा था इससे जितना फास्ट होता है इससे कोई भी से से नहीं होता होता। जितना ये 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 so जो मेरा main scene था ये वीडियो बनाने का, ये के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना था अब आप लोगों सब को सबको समझ में आ गया होगा कि भाई ये ग्रिप का एडवांटेज है ये ग्रिप का ये डिसएडवांटेज है तो यहाँ पे आ जाओ अपना फेवरेट स्कोप ला लो। मेरा फेवरेट स्कोप सिक्सिक्स है सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज दे रूँ बिगिनर्स के लिए गाइस सिक्स एक्स हम लोग फुल सिक्स स्प्रे नहीं मारते हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको और उसमें थ्री एक्स की सिंसि अप्लाई होती है और थ्री स्प्रे है लेकिन नाम सिक्स एक्स है खाली उसका कहीं कहो सिक्स एक्स तो स्कोप यूज कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करके अपन थ्री एक्स मार रहे हैं अपना फेवरेट स्कोप ला लो मैं सिक्स एक्स ला लिया मेरा फेवरेट है सारे ग्रिपा डाल लो बैग में एमो डाल लो और स्प्रे दो आपको ईजी समझ में आता आपके स्प्रे कौन सी ग्रिप के साथ अच्छा था पहले मैं आप लोगों को सबको मार के बताता हूँ देखो सबसे पहले अपन ट्राई करेंगे हाफ थम ग्रिप के साथ थम ग्रिप का आप लोगों को मालूम एडवांटेज में आपको समझा आता है इससे फास्ट स्कोप इन कोई ग्रिप में नहीं होता देख लो आप इसकी ये खासियत है ग्रिप की नेक्स्ट ग्रिप पे जाएंगे लेजर साइड इसका क्लोज रेंज में सीन है इसका इसका लॉन्ग रेंज में कुछ भी सीन नहीं है लेजर साइड का हाफ ग्रिप जो मेरी फेवरेट है इससे जो स्प्रे चिपकता ना भाई बंदे पे खाली इसकी स्टेबिलिटी खराब रहती लेकिन ये मेरी फेवरेट है तो मेरे को इसकी स्टेबिलिटी की हैबिट हो गई चिपकता भाई खाली मतलब स्प्रे चिपकता बंदे पे सीधा इससे मारे दो कितने मीटर का ये तीन सौ मीटर नेक्स्ट ग्रिप पे जाएंगे अपन लाइट ग्रिप लाइट ग्रिप की जो स्टेबिलिटी है कंपेयर करें कोई भी ग्रिप से तो इसकी सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी है ग्रिप की बस इसका रिकॉइल कंट्रोल करना डिफिकल्ट है लेकिन स्टेबल रहता है इसका स्प्रे मतलब बुलेट सारे एक ही जगह हिट वर्टिकल ग्रिप इसका काम तो आप लोगों को मैं बता इसका काम एम में है हेच नहीं इसका काम बैरल के लिए एम जैसी गन्स के लिए ग्रिप बनी हुई है वर्टिकल रिकॉइल मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है एम फोर में नेक्स्ट अपनी एंगल ग्रिप एंगल ग्रिप भाई तुम एंगल ग्रिप लगा ले लेके अगर बंदा गाड़ी से गया तुम्हारे सामने से हंड्रेड परसेंट गिरता हुआ भाई बंदा अगर तुम्हारे ट्रेसिंग स्किल्स अच्छे हैं तो उसका जो ट्रांसफर है ना ये ग्रिप का कंपेयर टू एनी अदर ग्रिप सबसे बेस्ट है ये सेकंड फेवरेट ग्रिप है मेरी अगर मेरे को एंगल हाफ सामने रखे आप पहले तो हाफ़ ही छुटा दूँ मैं लेकिन एंगल्ड भी सबसे लेज़र भाई स्प्रे भी अच्छा है मेरा एंगल से अच्छा जाता है एक्यूरेट और स्प्रे ट्रांसफर भी अच्छा रहता मतलब जहर कल इधर घुमाए तो पाह क्या फास्ट होता है भाई ये ग्रिप से पाह सो so कैसे आप लोगों के जो भी डाउट्स थे कौन सी ग्रिप अच्छी रहती है एम फोर स्प्रे कैसा अच्छा मारना जो भी आपके डाउट्स थे सारे क्लियर होंगे होंगे अगर आपके कुछ भी डाउट्स है स्प्रे के बारे में कि भाई मेरा स्प्रे ये ग्रिप से अच्छा नहीं गया ये ग्रिप मेरे को यूज़ करना है जो भी आपके ग्रिप को लेके स्प्रे को लेके जो भी डाउट्स है क्या करो आपका स्प्रे रिकॉर्ड कर लो और वो स्प्रे स्टोरी में डालो मेरे को मेंशन करो स्टोरी में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे ना भाई कि ये स्प्रे अच्छा गया नहीं गया क्या कमी है इसमें जो भी अपन चैट करेंगे मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगा इंस्टाग्राम पे बस आपका स्प्रे रिकॉर्ड करो मेरे को टैग करना मत भूलना तो ताकि क्या है मैं सबका स्टोरी मैंशन देख सकती हूँ सबके मैसेजेस का इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं कर सकता मैं लेकिन स्टोरी मैंशन सारों के देख सकता हूँ तो ट्राई करूँगा सबको रिप्लाई करूँगा मैं ट्राई नहीं करूँगा ही सबको रिप्लाई करूँगा जो जो स्प्रे का रिकॉर्डिंग डाले डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगा और ये, ये वीडियो शेयर करो आजकल क्या है बोले तो मेरे को मालूम है सब दोस्त आज कल जो पब्जी पसंद नहीं करते थे खेलते नहीं थे क्वारंटाइन के चक्कर में सब जने डाउनलोड कर लिए पबजी अब उल्ला भी जल्दी सीखना बोल के अपन ऐसे वीडियो बनाए देखो ये वीडियो उन लोगों को भेजो ताकि उन लोगों का स्प्रे भी अच्छा होना उल्ला भी आप लोगों के साथ खेल के ज़बरदस्त स्कॉड बन जाना खाली क्लासिक में स्प्रे दे के बंदे गिरा के दे दे मारना खाली सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई